ऊपर मैं बोल रहा हूँ ना, कौन से एंगल से मारा है इसको, कौन से एंगल से मारा है ये, वहाँ लगा हुआ है वो देख, वो वहाँ वो छोड़ दिए, देख ये फाड़ दिया, ये यहाँ से निकला है, ये लगा कहाँ गया, कहाँ बैठ गया, और मेरा बैग बैग में भूल गया, अब जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं मोहित शर्मा। इस समय की बड़ी खबर लेकर आपके साथ जुड़ा हूं। मैं बता दूं कि खोर क्षेत्र के बट्टल एरिया में पाकिस्तान के 3 आतंकियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई है। हमारे भारतीय सेना की वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कहूँ ये वीडियो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये वो वाहन है जो एम्बुलेंस है आर्मी की, जब काफिला निकल रहा था तो अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये वो गाड़ी थी, यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी गोलियां ये बरसाई हुई हैं आतंकवादियों द्वारा। और मैं एक बार फिर बता दूं कि बट्टल एरिया के जो एरिया में शिव मंदिर है, वहाँ पे ये 3 आतंकवादी जो हैं वो छुपे हुए हैं, वहाँ से ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। और हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ वहाँ के लोकल कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधा उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और जानेंगे कि वहाँ बट्टल में आखिर क्या हालात हैं। और मैं बता दूं कि वहाँ पे मुठभेड़ जारी है, वहाँ पे एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहाँ पे ये 3 आतंकी घुसे हुए हैं और वहाँ से फायरिंग चल रही है। पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुँची और आर्मी ने पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे साथ वहाँ के लोकल जुड़े हैं, हम सीधा स्थानीय उनसे सीधा बात करेंगे। जी आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार जी। सर क्या हालात हैं वहाँ पे बट्टल में, अभी जो इनकाउंटर चल रहा है क्या हालात है वहाँ पे, आखिर पूरी बात क्या थी? सर सुबह ये आर्मी का काफिला निकल रहा था यहाँ से जी, तो काफिला जैसे निकल पड़ा, 25-30 गाड़ियाँ थी जी, और निकल गई। और उसके बाद जैसे ही लास्ट गाड़ी बची हुई थी, ये एम्बुलेंस आ रही थी पीछे से, इस पे अटैक किया। तो वहाँ पे कोई जानलेवा कोई नुकसान, कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, जानलेवा नुकसान कुछ हुआ नहीं है सर जी। बस उन्होंने अटैक बोला था तो कुछ गाड़ी के पड़ी पे। सर आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? मैं सर बॉडी पे जो गाड़ी की बॉडी होती है उस पे गोलियों के निशान है सर। जी 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 सर। तो अभी एनकाउंटर वगैरह चल रहा है? हाँ जी सर। जी सर तो अभी तक कोई मिलिटेंट कोई मरने की कोई कुछ अभी कोई खबर तक नहीं? अभी सर ये अपना शिव मंदिर है ये बट्टल में है, वहीं पे छुपे हुए हैं सर वो जी। अभी आर्मी ने कॉर्डन किया है उसको और कार्रवाई चल रही है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। तो ये थे बट्टल एरिया के लोकल स्थानीय थे, इन्होंने इनका साफ तौर पे कहना है कि आर्मी का एक काफिला वहाँ से निकल रहा था तो अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान के जो नापाक जो हरकत करता रहता है, वही 3 मिलिटेंट बताया जा रहा है। कोई शिव मंदिर है बट्टल में, उसके अंदर ये 3 आतंकी जो है छुपे हुए हैं। और मैं बता दूं कि ड्रोन के माध्यम से इनको खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि आखिर ये कौन सी लोकेशन में ये लोग 3 आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली अपडेट के लिए जेके टाइम्स के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन रोहित के साथ जय हिंद।